हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। सभी राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिसर ग्रेड ए की वैकेंसी आई है। सैलरी 1,43,000। इसके साथ में जो है बेनिफिट्स बहुत सारे आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, जैसे मेडिकल की सुविधा आपकी रहेगी ही इसमें, साथ में नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की सुविधा रहने वाली है। फैमिली अलाउंसेस, लोकल अलाउंसेस, ये सारे जो हैं आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और भी चीज़ें जो कि हम देखेंगे नोटिफिकेशन में। तो ग्रेड ए की वैकेंसी है। पे स्केल जो है वो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देती हूँ। अप्रोक्स 1,43,000 पर मंथ जो है सैलरी रहेगी। और भी जो है बेनिफिट्स हैं, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन रहेगी, स्पेशल अलाउंसेस, ये सारी चीज़ें मिलेगी। फैमिली, लोकल, ठीक है, मेडिकल एक्सपेंसेस, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम और भी चीज़ें हैं, एजुकेशन अलाउंसेस भी हैं। तो वैकेंसी जो है IFSCA की तरफ से है। असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट का नाम है। ऑफिसर ग्रेड ए की वैकेंसी है ये। इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है आप देखें, ऑनलाइन एप्लीकेशन की 28 मार्च 2024 से लेकर 21 अप्रैल 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम रहेगा जब इतनी अच्छी सैलरी है, बहुत सारे बेनिफिट्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपके यहाँ पर मिल ही रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जाम जो रहेगा आपका वो भी बता दिया गया है। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन मई या जून में रहेगा। डेट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगी। फेज 2 जो है जून या जुलाई में रहेगा, और उसके बाद लास्ट इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, पोस्ट देख लेते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट, अनरिजर्व कैटेगरी OBC SC ST EWS। ठीक है, इस तरीके से जो है कुल 10 पोस्ट हैं, और इनकी संख्या जो है वो बिल्कुल बढ़ेगी, ये आप देखिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देखिए, मास्टर डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन स्टैटिस्टिक्स। मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स में हो, इकोनॉमिक्स में हो, कॉमर्स में हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, इकोनोमेट्रिक्स में हो। ठीक है, ये मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो बैचलर डिग्री वाले, जिनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहा हो, कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और भी कई ऑप्शन हैं। और बैचलर डिग्री जो है कॉमर्स में, अगर कोई कैंडिडेट जो है वो CA कर रहा है, CFA कर रहा है, CS कर रहा है, ठीक है, ICWA कर रहा है, अपियरिंग वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री इन लॉ। लास्ट में आप देखें, बैचलर डिग्री इन एनी अदर डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आपने बैचलर डिग्री हासिल की हुई है, यानी आपका सब्जेक्ट जो है इससे संबंधित तो होना चाहिए। पोस्ट का जैसे नाम है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ कॉमर्स वाले कैंडिडेट, इकोनॉमिक्स वाले कैंडिडेट, स्टैटिस्टिक्स वाले कैंडिडेट, कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट्स अप्लाई अगर करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस रहेगा तो सिलेबस में जो है क्वेश्चन भी जो है उन्हीं के सब्जेक्ट से संबंधित तो पूछे जाने वाले हैं। एज लिमिट देखें आप, अ कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड द एज ऑफ 30, या 30 साल से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की। 5 साल की छूट जो है SC ST को दी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग। 3 साल की छूट जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस को रहेगी। ओनली दोज कैंडिडेट बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर OBC कैटेगरी। और 10 साल की छूट जो है PWD कैंडिडेट को रहेगी। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने बता दिया है, 3 फेज में आपका ये एग्जाम रहेगा। तो कैसे कैसे रहेगा, सिलेबस भी जो है इसी PDF फाइल में भी दिया हुआ है। पेपर 1 कॉमन फॉर बोथ स्ट्रीम्स, सभी के लिए समान रहेगा पेपर 1। इसमें क्या पूछा जाएगा तो थोड़ा यहाँ ध्यान दें, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स, 60 मिनट, जिसमें जनरल अवेयरेंस, फाइनेंशियल सेक्टर्स के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन,
और रीजनिंग के 25, ये सभी के लिए समान रहेगा। जो पेपर टू होगा उसमें आपकी जनरल नॉलेज, करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, कॉमर्स अकाउंटिंग मैनेजमेंट, ठीक है, इकोनॉमी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स में जिनके पास स्टैटिस्टिक्स रहा हो, इकोनॉमिक्स रहा हो, या फिर कंप्यूटर साइंस के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए सिलेबस को कवर करना काफ़ी आसान रहेगा। बाकी ऐसे कैंडिडेट जो कि फ्रेशर हैं और सिलेबस को देखकर जो है वो आप सोचें, ग्रेड ए की वैकेंसी है, ऑफिसर ग्रेड ए की, तो यहाँ पर जो है सिलेबस अगर आप कवर कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि जून जुलाई से जो है आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अभी से ही तैयारी करेंगे तो ही सिलेक्शन संभव है। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है वो आप देख लें, इंदौर है, जयपुर, कानपुर, अहमदाबाद, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, देहरादून, गुवाहाटी, बड़ी बड़ी सिटी हैं, मेरठ, मदुरई, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, मुंबई, ठाणे, नागपुर, ठीक है, सूरत है, रांची, रायपुर, पुणे, पटना, पणजी, न्यू दिल्ली, एनसीआर। तो ये आप देख लें एग्जामिनेशन सेंटर। एप्लीकेशन फीस भी रखी गई है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। आपने पे स्केल देखा, अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो है 1000 रुपीज़ है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की मात्र 100 रुपीज़ है, वुमेन कैंडिडेट की जो है वो बिल्कुल 1000 ही लगेगी। अभी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की तो बहुत ही कम है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे बिल्कुल करें। पीडीएफ फाइल जो है काफ़ी लंबी है, 30 पेजेस की है। अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो ये लिंक है IFSCA वेबसाइट, तो इस पर जो है आप लोग गूगल पे सर्च कर लेंगे या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हर जो भी वैकेंसी होती है उसका लिंक जरूर शेयर किया जाता है, ताकि आप लोग डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकें। नोटिफिकेशन देखने के लिए आप लोगों को मेन वेबसाइट पर आना है, ऊपर आप लोगों को नजर आएगा करियर न्यू, तो इस पर करियर सेक्शन पर क्लिक करना है। नीचे देखेंगे आप वैकेंसी नोटिफिकेशन सबसे ऊपर ही दिया हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर ग्रेड ए। सेकेंड नंबर पर जो है अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए, ठीक है, तो इस डिटेल पर 27 मार्च 2024 को जो है ये विज्ञापन जारी किया गया है।